ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यूनिट कन्वर्जन आना ही चाहिए। जो भी सॉम के बच्चे हैं, सिविल सेकंड ईयर, मैकेनिकल सेकंड ईयर के, उनका जो सॉम सब्जेक्ट है, इसका हम दूसरा लेक्चर कर रहे हैं और इसमें यूनिट कन्वर्जन दिखने वाले हैं। सबको आना चाहिए। जैसे कि आपको पेपर में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ PA1, PA का मतलब होता है पास्कल। ये एक यूनिट है पास्कल। 1 PA इज इक्वल टू क्या होता है फिर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको पेपर में जानबूझ के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पे क्या देते हैं, PA, फिर आप कन्फ्यूज हो जाते हो। PA यानी कि क्या होता है कि 1 PA इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं KPa। यहाँ पे क्या हो गया फिर, ये K का मतलब है किलो पास्कल। क्या है K का मतलब, क्या है किलो पास्कल। ऐसे भी लिख सकते हैं MPa, यम यानी कि क्या, मेगा पास्कल। और उसके बाद GPa भी लिखते हैं। GPa यानी कि क्या होता है, गीगा पास्कल। GPa का मीनिंग क्या होता है, गीगा पास्कल। अब 1 KPa को हम क्या लिख सकते हैं, 10^3 PA। और 3 PA को क्या लिख सकते हैं हम, 10^3, और पास्कल क्या लिख सकते हैं हम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद दूसरा कन्वर्जन जो है वो है MPa। 1 MPa यानी क्या, मेगा पास्कल को हम कैसे लिखते हैं, 10^6। एम को क्या लिखेंगे हम, 10^6, और पास्कल क्या लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर ये न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को हमको क्या करना है, न्यूटन पर mm स्क्वायर करना है, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ये क्या है, 10^6 है, न्यूटन को हम न्यूटन ही रखेंगे क्योंकि हमको न्यूटन मीटर स्क्वायर का क्या करना है, न्यूटन पर mm स्क्वायर करना है, न्यूटन को न्यूटन ही रखा। अब ये मीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर करना है। अब आपको सबको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच mm, 1000 mm, बराबर। पर हम हमको क्या करना है, मीटर स्क्वायर का mm स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा और यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। तो आप क्या करोगे कि 10^6 जो है उसको क्या करेंगे, 1000, और उसका भी स्क्वायर, यानी कि कितने हो जाएंगे, ऊपर कितने हैं 10^6, और नीचे भी कितने हो जाएंगे, पावर, नीचे भी तो पावर 6 हो जाएंगे, तो पावर 6 कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि आप सीधा सीधा लिख सकते हो, जब भी आपको पेपर में MPa दिखेगा तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा सीधा लिख दो। जो भी होंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10 MPa, तो आपको इसको MPa मतलब क्या होगा, 10^6, यानी क्या होगा, 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका कन्वर्जन सीधा सीधा आप क्या लिख लेंगे, 10 न्यूटन पर mm का स्क्वायर, ये आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।